गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं अभी डमास्कस, द कैपिटल सिटी ऑफ सीरिया। अभी फिलहाल मैं बैठा हूं एक इंडियन रेस्टोरेंट में, महाराजा इंडियन रेस्टोरेंट डमास्कस में। फाइनली आप इमेजिन कर सकते हो, सीरिया में भी एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ लिया। मेरे ख्याल से इकलौता रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और इससे पहले एक मॉल में थे जो मेरे ख्याल से इकलौता मॉल है यहाँ पे, काफी अच्छा मॉल था। लास्ट टाइम बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स आते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है यहाँ की। शायद आप जानते हो कि यहाँ पे एक सिविल वॉर चल रहा है सीरिया में 2011 से। मेरे साथ में है मनोज भी है, जो भी वीडियो रिकॉर्ड करे उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा। ट्रैवलिंग मंत्रा नाम से जिनका यूट्यूब चैनल है। जय हिंद, नमस्ते, स्वागत है आपका परमवीर जी की वीडियो में। वीडियो के हम थोड़ा सा रिवाइंड जाते हैं मॉल में, मॉल से टैक्सी पकड़ के यहाँ पहुंचते हैं और फिर यहाँ की आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मॉल से जस्ट अभी बाहर निकल गया और टैक्सी ले रहे हैं। महाराजा इंडियन रेस्टोरेंट, महाराजा रेस्टोरेंट अलग्रम मस्जिद। हम जिधर जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट है वो, उसका नंबर ऐसे 011, हमें लगा झूठा है, दिल्ली का नंबर है तो, पर बात करी तो बोले डोमेस्टिकस में ही हम। हेलो, या इंडियन रेस्टोरेंट, व्हाट इज योर गुड नेम ब्रदर? महीदीन। महीदीन भाई, लो टैक्सी वाले से बात करो। पैसे पूछना, एक बार पैसे पूछना। How much? Money. 7,000. 5,000. تمام. تمام. 5,000 تمام. والله نو. والله نو. والله ما فيها شيء. 6,000. تمام. 6. تمام. 6. تمام برادر. 6. Come on. करो जरूर, बाहर आके दे चाहे हजार फालतू दो, लेकिन फर्क है अगर आप रेट नहीं करोगे तो उसे लगेगा कि यार पागल है और ज्यादा बैठने की टैक्सी में इनसे चाहे 20 ले लूं मैं। हाँ, तो हर जगह रेट बाजी करो जरूर, चाहे दे दो फालतू पैसे। 6,000. तमाम कहते हैं अल हिंद, अल हिंद इंडिया, म्यूजिक तो ये है सीरिया की सड़कें, डमास्कस द कैपिटल सिटी ऑफ सीरिया। और ये है इधर की एक टैक्सी, यहाँ पे सारी टैक्सी में आपको ऐसे रंग बिरंगी लाइट ऐसी दिखेंगी अंदर, पता नहीं, और बहुत पुरानी टैक्सी है सारी। नाइस कार। हालांकि हम पास में ही आए थे मॉल से, ज्यादा दूर नहीं है, पर यहाँ भी रास्ते में सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स है, मिलिट्री रोक के चेकिंग करती है पूरी, तो उधर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एक बढ़िया बात मेरे को क्या लगी, यहाँ पे ड्राइवर्स ना बिना गूगल मैप्स के ले जाते हैं, इनको बस जगह बताओ 10-12 किलोमीटर जितनी दूर हो, इनको रास्ते याद है, वहीं पे जाके सीधा रोकते हैं। अभी एक और मिलिट्री चेक पॉइंट हमने क्रॉस किया है और सामने एक और आ गया। ब्रदर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये है वो इंडियन रेस्टोरेंट, महाराजा इंडियन रेस्टोरेंट। फाइनली सीरिया में भी इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ लिया हमने, देख लो शायद ये इकलौता ही है। इधर भी इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया। तो ये रेस्टोरेंट तो इंडियन है पर यहाँ पे कोई काम नहीं करता इंडियन, ना ही कोई पाकिस्तानी करता, तो जबान भी यहाँ पे अरबी बोल रहे हैं सारे। हालांकि ये जो मेन्यू, इसमें 5-7 इंडियन शेफ दिखा रखे इन्होंने, पर ऐसा कुछ कोई देखने को मिला नहीं है कि यही भाई है, बीसी है शायद। सल्लू भाई महाराजा फिक्स मील 80,000 सीरियन पाउंड, यानी कि $30 में लगभग 2,000 रुपए में दो जनों के लिए छिक्के आप खाना खा सकते हो। चिकन समोसा 7,500, यानी कि इंडिया के 100 रुपए का समोसा। वेजिटेबल समोसा फिर तो सही है, इंडिया के 100 रुपए के 4 पीस है। पनीर टिक्का 12,000 सीरियन पाउंड का, एक $1 में ब्लैक मार्केट के रेट के हिसाब से 3,500 सीरियन पाउंड होते हैं, तो उस हिसाब से आप लगा लो लगभग इंडिया के 200 रुपए का पनीर टिक्का, 10,000 यानी कि इंडिया के 200 से भी कम रुपए का। तंदूरी आलू चिकन सूप $2, तंदूरी झींगा मछली और फिश टिक्का ये है 25,000, यानी कि ये थोड़ा महंगा है 700-800 रुपए का। मुर्ग मलाई टिक्का 17,500 का, ये ऊपर नए रेट है, पुराने रेट है नीचे वाले, वही 400 रुपए के करीब मान लो। फिश मसाला 15,000, वही 300-400-500 रुपए में सारी चीजें इसके अंदर अंदर ही है। बटर चिकन सबसे इम्पोर्टेंट ये था देखना, 17,500 लगभग 400 रुपए का बटर चिकन, सस्ता है यार, वही उतना महंगा नहीं है क्योंकि इनकी करेंसी कमजोर है ना। तो ये सब इनके रेट्स थे, महाराजा इंडियन रेस्टोरेंट डोमेस्टिक सीरिया। क्योंकि हम ऑलरेडी खाना खा के आए तो भूख तो है नहीं, तो इसलिए हम कुछ छोटा मोटा मंगाते हैं, तो चाय मंगाते हैं इंडियन, है ना, दूध वाली चाय बनेगी नहीं पर ट्राई तो करते हैं।
कोल्ड रखा है तो कुछ तो आता होगा ना। Can we have two masala chai? Some dessert? Yeah, maybe something not too heavy. Chicken soup. One chicken soup, no chai for you? Okay. एक मसाला चाय, एक चिकन सूप। Yeah. थोड़ा मिर्ची और थोड़ा मिर्ची। You speak nice Hindi? नहीं, थोड़ा। You we have some dessert. We have kajar ka halwa, gulab jamun, and coconut ice cream. You were the one who picked the phone. Nice. That time you also speaking Hindi. Kajar ka, gulab jamun, or coconut ice cream. I will have gajar ka halwa. Okay. Ek masala chai, ek kajar ka halwa, ek chicken soup. Yes. You will sell the chicken soup first, and after that chicken soup. Yeah, yeah. Okay. Yeah. Thoda mishi. Thoda mishi. Can I keep the menu? Yeah, I'll take it. Thank you. You're welcome. Glass must have ring. Zabardast. रॉयल फील आ रही है। ब्रो, आई हैव अ क्वेश्चन। डू इंडियंस कम हियर ऑफन? यस। रियली? हाउ ही स्टार्टेड? आर देयर इंडियंस इन सीरिया और दे आर डिप्लोमेट्स और टूरिस्ट? आईटी। वर यू हियर बिफोर द वॉर? ओह, बिफोर दैट 21 इयर्स। यू आर हियर फॉर 21 इयर्स। सो वर देयर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल बिफोर द वॉर हियर? टू मच। थ्री ब्रांच बिफोर। Three branch. Oh, I went to Alexandria in Egypt. I've been to your Egyptian branch. Yeah. Alexandria, Maharaj, I remember. It was very nice. तो इधर तीन branch थी इनकी पहले, पर unfortunately war के बाद लोगों का आना काफ़ी कम हो गया। अभी इनकी इकलौती ब्रांच है डोमेस्कस में, सीरिया में। ये बोल रहे हैं और इंडियन साथी तो है, पर वो है जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, यहाँ पे सीरिया टेल कंपनी है जो है कि मोबाइल टेलीकॉम की, उसमें कुछ इंडियंस काम करते हैं तो वो यहाँ पे खाना खाने आ जाते हैं। बाकी बहुत कम है, टूरिस्ट तो कोई आता ही नहीं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है। 21 साल पुराना रेस्टोरेंट है, अभी इनकी आखिरी ब्रांच बची है। पहले बता रहे फुल रहता था, इतनी भीड़ रहती थी इंडियंस की। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में समय अच्छा होगा और दोबारा टूरिज्म बढ़ेगा इधर, ये देश ठीक होगा और इंडियंस भी आएंगे। हेलो, बतेरी जगह महाराजा के नाम से, थाईलैंड में भी बहुत सारे हैं, महाराजा बहुत रेस्टोरेंट है बहुत। तभी इन्होंने ये इंडियन शेफ्स इतने और ऐसा मेन्यू बना रखा है, इधर तो मेरे को कुछ जुगाड़ लगा नहीं। चिकन सूप? या चिकन सूप, ग्रीन चिली, एंड दिस इज व्हाट? हाँ, चटनी, चटनी तमाम। ये मिंट की चटनी है पुदीने की, और ये हरी मिर्च है। लग रहा है कि इंडियन टेस्ट कुछ आ रहा है मसालों का। इंडिया जो टेस्ट है वो इंडिया में ही आता है, बाहर ऐसे ही है। लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं जिन्हें इंडियन खाना ही खाना है, उनका काम बहुत बढ़िया चल सकता है सीरिया में भी। मेरे को तो सही लगा यार सूप एकदम। मैं मिर्च कम खाता हूँ ना, तो मेरे को ये भी ज़्यादा लग रही है। व्हाट इज दिस? ओह, गाजर का हलवा। सूंघने के लिए हलवा भी दिया। तो ये है अपनी मसाला चाय, साथ में है गाजर का हलवा। गाजर के पीसेस थोड़े बहुत सॉलिड से दिख रहे हैं इसमें अलग से, साथ में सौंफ, मिश्री वगैरह। ये नारियल का पाउडर है, गाजर पाक है। कैसा है? अरे भैया, सीरियल मिल रहे हो, कम है क्या? तारीफ तो कर दो। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ भी इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया, मतलब ये बात तो सिद्ध होगी पूरी दुनिया में, इंडियन रेस्टोरेंट हर जगह ऐसी कोई भी जगह नहीं है जिधर इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है। इंडियन खाना आपको कहीं भी मिलेगा, यहाँ भी मिल सकते हो। देखो, एक कारण ये भी है कि इंडियन टेस्ट नहीं आ पाता बाहर की ना, जो मसाले वगैरह होते हैं बाहर सेम वो मसाले जो इंडिया में मिलते हैं वो नहीं मिल जाएंगे, सिमिलर मिलते हैं, इंपोर्टेड होते हैं, जो भी होते हैं, आपको वो टेस्ट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है रेस्टोरेंट्स के लिए। वो टेस्ट तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते बेटा, माए नहीं होती है, माँ के हाथ में होता है वो टेस्ट। तो वो टेस्ट तो इंडिया में भी कहीं और नहीं आना इधर के अलावा। चाय में दालचीनी का टेस्ट आ रहा है, उन्होंने दालचीनी डाली है फॉर श्योर, और चाय वैसी सी अपनी इंडिया जैसी सेम ही ऑलमोस्ट। दिस इज मी। थैंक यू। यू आर वेलकम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुहीद्दीन। मुनेद्दीन? मुहीद्दीन, मेरा नाम मुहीद्दीन। आप सीरिया से हो? हाँ जी, सीरिया। वाह, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? हाँ बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है। बहुत बढ़िया, अपना ख्याल रखना। आपने हिंदी कहाँ से सीखी? फ्रॉम द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट से। कस्टमर्स? Customers and also before we have so many Indian chef, but now you know about the situation. Yeah. Situation. No anybody want to come to Syria. Thank you. Thank you. Shukriya. Shukriya. Namaste. आप bill ले आएंगे please? Bill. हिसाब।
कितना 16,920 16,000 लगभग हमारा बिल है इंडिया के, लगभग 300 रुपए 350 रुपए मेरे ख्याल से। कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, किसी और देश में खाओ तो बहुत ही सस्ता है ना भैया। बाहर इंडियन रेस्टोरेंट में खाते तो 1,000 रुपए तो कम से कम 1,000-1,500 रुपए मिनिमम, सस्ते सस्ते सारा बजट बिगाड़ देता अगर इंडियन रेस्टोरेंट में खाता। पर पर्सन 1,000-1,500 रुपए मिनिमम बिल आता है। यहाँ पे हमने छोटे स्नैक्स लिए थे पर उस हिसाब से फिर भी काफी सस्ता है। Amazing. Thank you. You're welcome. And I hope one day there will be a lot of Indians here again. Thank you. Take care and goodbye. Bye. You like the food? Yeah. Uh-huh. You are Syrian or? Yeah, Syrian. India. Is Indian food popular among Syrians? Yeah. Other Syrian people also like it, if you know? Very, very. Oh, amazing. You guys speak really good English. बीवी तेरी बाहों में मरना। यहाँ के प्रेसिडेंट है मिस्टर बशर, प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। ही एवर कम हियर फॉर फूड? For food. He likes Indian food. Really? Yeah, he was in London. Yes. He did his doctorate. In London, people very much Mr. like Indian. Yeah, he's your owner. Yes, Mr. Shah. Mm. And he's brother of the owner. Brother of the owner and Mr. Bashar. देखो जी कमाल की बात है ये, यहाँ के जो प्रेसिडेंट साहब हैं सीरिया के, उन्हें भी इंडियन फूड बहुत पसंद है। वजह यह है कि वो पहले यूके में पढ़ाई किया करते थे और यूके में तो इंडियन फूड का मतलब दीवानगी है, नंबर वन है इंडियन फूड। वहाँ की नेशनल डिश भी क्या थी? चिकन टिक्का। चिकन टिक्का मसाला है। At home, do you eat Indian food or Syrian food? No, in home Syrian, but I know how to cook some Indian food. Amazing. Some masala gravy, white gravy, wow. Butter chicken. कभी इंडिया आएगा आप? आना चाहता है इंडिया? आप इंडिया आए हो कभी? नो, आई होप टू कम। आई होप सो। यू वांट टू कम? या आई वांट टू कम। ओके, टू विजिट। यू हैव हिज नंबर नाउ? टेक माय नंबर। ओके, आई वांट टू गो टू विजिट। यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय। थैंक यू। बाय। शुक्रिया। नमस्ते। शुक्रिया। तो टैक्सी ले ली हमने रात के अभी 9 बजे ना? 9 बजे रात के 9 बजे का टाइम है। Syria, Damascus. You like Damascus? You like Syria? Syria good? Good. I am in Syria live. Yeah. Good. Good. Like I am Syria. Syria people good. Syria people good. Thank you. Good people. Thank you. हर देश के ना, ये मैंने भी नोटिस करी है चीज, मनोज भैया ने भी नोटिस करी है, सबसे जो चलाक लोग होते हैं ना, जिधर आपको स्कैम होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, जो या फिर सबसे तेज लोग जो भी होते हैं, वो होते हैं या तो उस जगह की जो सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है उसके बाहर जो लोग कुछ आपको बेचना चाह रहे होते हैं। इन इंडिया वेलकम। थैंक यू वेलकम। जैसे कि पिरामिड्स के बाहर लोग मिलेंगे आपको, इंडिया में ताजमहल के बाहर कुछ आपको धक्के से स्कैम करना चाहेंगे। अक्षय कुमार दूसरी तरह के लोग होते हैं टैक्सी ड्राइवर्स। पर सीरिया में हमने रियलाइज करा ये लोग भी बहुत अच्छे, जबरदस्त, बहुत अच्छे लोग हैं। टूर यस, डोमेस्कस, अलीपो, होम्स, अलीपो, क्राक, अलीपो। आई एम फ्रॉम अलीपो। अलीपो वेरी नाइस। लताकिया माफी। लैंग्वेज और इंग्लिश? हिंदी, वी स्पीक Hindi and also English, both. Okay. You don't get visa? Passport? Visa, no, passport? No. Because I am soldier. You are soldier? Soldier? Really? Ah. Wow. So you drive taxi also and soldier? After the war. Okay. Wow. Working as a taxi. You fight in war? You fought in war? You was in war? I am... Soldier. Okay. Wow. Day. Good. So why you drive taxi now? Night to work. Morning soldier, evening taxi. You good. Oh, mashallah. Puri ala there, desi, bahut zyada. Hamse. Okay. Mitter. Okay. Good night, mitter. Good night. Take care, mitter. Welcome. Take care. Shukran, abibi.
We'll tell you. तो भाई जैसा आपने देखा जस्ट अभी टैक्सी से उतरे हम, जो इंडियन रेस्टोरेंट था उसके जस्ट बाहर भी चेक पॉइंट था। जब हम रेस्टोरेंट में घुस रहे थे तब आपने शायद देखा होगा, और जब हम वापस निकले थे टैक्सी की तलाश में तो दोबारा वही चेक पॉइंट था और खूब सारे चेक पॉइंट थे उसके बाद भी। तो यहाँ पे हम अगर छोटे से डिस्टेंस पे भी जाते तो जगह जगह मिलिट्री चेक पॉइंट और तलाशी होती है, तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है क्योंकि आप जानते हो सिविल वॉर चल रहा है यहाँ पे और बहुत ज्यादा वल्नरेबल सिचुएशन है हर जगह। हमारा जो टैक्सी का ड्राइवर था वो खुद एक सिपाही था, एक सोल्जर था, और बता रहा था कि मैं रात को गाड़ी चलाता हूँ। तो हमने टैक्सी के दिए थे 6000 सीरियन पाउंड, और जब हम उससे बात कर रहे थे कि भाई रात को टैक्सी क्यों चलाते हो और कितने कमा लेते हो, तो उसने हमें बताया कि मैं कमाता हूँ लगभग 7-10 हज़ार सीरियन पाउंड एक रात में। पर फिर हमने पूछा कि 6000 तो हमने ही आपको दे दिए तो सिर्फ 7-10 हज़ार कैसे कमाते हो आप? तो उसने बताया कि गाड़ी मेरी नहीं है, गाड़ी मालिक की है, मैं तो बस एक ड्राइवर हूँ और ये मीटर में सारा हिसाब आता है, इसमें से बहुत छोटी परसेंटेज मेरे को मिलती है जो आप मेरे को दोगे। 7000 कितने होते हैं? $2 होते हैं, $2 मतलब 150 रुपए। और बेचारा वैसे सोल्जर है वो, रात को टैक्सी चलाते हैं, सुबह उठ के दोबारा नौकरी पे जाते हैं। हमें काफी दया आ रही थी एक्चुअली, पर क्या कर सकते हैं अब, बहुत ही बुरी सिचुएशन से इस देश के लोग अभी गुजर रहे हैं। एनीवेज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम एक इंडियन रेस्टोरेंट गए, सीरिया में भी हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया, हालांकि हमने ज्यादा कुछ खाया नहीं क्योंकि हमें भूख नहीं थी और हम ऑलरेडी खाना खा के गए थे वहाँ पे, पर फिर भी एक नया एक्सपीरियंस हुआ, हमें पसंद आया कि भी ऐसी जगह भी इंडियन रेस्टोरेंट, और आप लोगों को भी कुछ नया देखने को मिला। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद। ये है मेरे पास 3450 सीरियन पाउंड्स, यानी कि इंडिया के 750 रुपए, US के $10। अब इन पैसों को हमें खर्चना है डोमेस्टिक में, सीरिया में। लेट्स सी हम इससे क्या क्या ले सकते हैं। यार यहाँ पे लोग पैसे ही नहीं लेते सीरिया में, ऐसा लग रहा है सब कुछ फ्री में है। ये सरकारी बस है जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हो, इसकी कीमत सिर्फ 200 सीरियन पाउंड है, सिर्फ इंडिया के 4 रुपए आप इसे कह सकते हो। आई वांट टू ट्राई दिस वन। You to try? Yeah. Really? Yeah. That's hard. It's very hard? It's a bit hard, yeah. I think you cannot.